मोदी सरकार की विकास यात्रा हर दिन एक नई ऊंचाइयों को छू रही है। सड़क से लेकर सागर तक मोदी सरकार का विकास दिखने लगा है। कुछ सालों पहले तक जो एक सपने जैसा था, उसे मोदी सरकार ने महज 4 साल में कर दिखाया है। मोदी सरकार ने देश में हो रहे चौतरफा विकास की एक नई मिसाल पेश की है कि सिर्फ 4 साल के भीतर ही हमारी सरकार ने देश में 100 से अधिक नेशनल वाटरवेज की पहचान करके उन्हें विकसित करने का काम शुरू किया है। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद वाराणसी से हल्दिया तक गंगा में कमर्शियल यातायात सेवा की शुरुआत करने का वायदा किया गया था, जिसे विशेषज्ञों ने असंभव कार्य बताया था। लेकिन मोदी असंभव को संभव करने के लिए ही जाने जाते हैं, और आखिर उन्होंने इस सपने को भी साकार कर दिया कि अब गंगा जी में भी बड़े जहाज चलने लगे हैं। अभी एक मालवाहक जहाज कोलकाता से वाराणसी के लिए निकल चुका है। देश की नदियों में जलमार्ग सेवा शुरू करने का पीएम मोदी का सपना आज साकार हो चुका है। मोदी सरकार की राष्ट्रीय जलमार्ग योजना वन के तहत देश में पहली बार गंगा नदी में जल परिवहन की सेवाओं का शुरुआत हो चुका है। 2 नवंबर को पेप्सिको का 16 कंटेनर लादे जहाज कोलकाता से वाराणसी के लिए रवाना किया गया है। 12 नवंबर को ये जहाज वाराणसी पहुंचेगा। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मालवाहक जहाज को रिसीव करेंगे। देश में ये पहला अवसर होगा जब अंतरदेशीय जलमार्ग सेवा की शुरुआत हुई है। मोदी सरकार की राष्ट्रीय जलमार्ग विकास योजना के तहत देश की नदियों को जलमार्ग से जोड़ा जा रहा है। हल्दिया से वाराणसी की तरह फिलहाल 100 जलमार्गों को एक साथ विकसित किया जा रहा है। इस जलमार्ग परिवहन सेवा के शुरू होने से देश के कारोबारियों को माल ढुलाई का एक सस्ता और सुविधाजनक विकल्प मिला है। इससे एक ओर जहां कारोबारियों को अपने धंधे के विस्तार में मदद मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर देश की अर्थव्यवस्था को भी ये जलमार्ग दोगुनी रफ्तार देगी।